मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। गर्मी के तेवर बढ़ते ही उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों ने भगवान महाकाल को ठंडक के लिए जतन प्रारंभ कर दिए हैं। परंपरा अनुसार मंदिर में बाबा महाकाल को सहस्त्र जल धारा चढ़ाई जा रही है। प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से राजा महाकाल को गर्मी से निजात के लिए सतत जल धारा के माध्यम से ठंडक दी जाती है। शिवलिंग के ऊपर कई मटकियां लगाई गई हैं, जिनके द्वारा ठंडा पानी सतत गिर रहा है। बुरहानपुर के नेपानगर में देर रात अतिक्रमणकारियों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। करीब 60 अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया, स्टाफ से मारपीट कर बंदूकें लूटने के आरोपियों को छुड़ा कर ले गए। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तीनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। खेतिया सेंधवा स्टेट हाईवे पर शुक्रवार तड़के सुबह हादसा हो गया। मिनी ट्रक और लोडिंग वाहन की टक्कर में जिसमें 16 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 12 लोगों को रेफर किया गया, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पानसेमल से प्राप्त जानकारी के अनुसार खेतिया सेंधवा स्टेट हाईवे पर एक आयसर वाहन और लोडिंग वाहन की जोरदार भिड़ंत हो गयी। जनपद पंचायत रामपुर नैकिन ने बड़ेसर माध्यमिक स्कूल के शिक्षक का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में शिक्षक बच्चों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। स्कूल के शिक्षक और बच्चे भी अपने शिक्षक की तारीफ करते नहीं थक रहे। आमतौर पर प्राइमरी स्कूल का ख्याल आते ही तमाम बातें मन में आती है, लेकिन अब जिले के बड़ेसर माध्यमिक स्कूल की दशा और दिशा दोनों ही बदल रही है। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़ेसर के शिक्षक राजेश कुमार पांड्या का वीडियो चर्चा का विषय बना है, जिसमें राजेश बच्चों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाते हैं। धार जिले के नालछा विकास खंड के ग्राम बिलोदा खुर्द के रहने वाले 4 युवक हनुमान जयंती पर गुरुवार को नर्मदा स्नान के लिए महेश्वर के पास स्थित सहस्त्र धारा नर्मदा स्थान पर गए हुए थे। शाम 4:30 बजे के दरमियानी नहाने के दौरान अचानक एक युवक का पैर फिसला और तेज बहाव में बहकर अचानक गहरे पानी में चला गया। साथ ही परिजन घबरा गए और ढूंढने लगे, लेकिन युवक की देर रात तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मधुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।